हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवीनाज लवली लाइव। आज का टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। ये एक एसी का अनबॉक्सिंग होने वाली है और अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक जो भी प्रोसेस होती है वो आप इस वीडियो में आज देखेंगे। तो जिसको भी ये डाउट है कि कैसे इंस्टॉल होता है एसी और कैसे क्या, क्योंकि बहुतों को तो पता होगा ऑब्वियस सी बात है, पर जिन्हें नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम एसी से गो थ्रू होंगे, उनके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल वीडियो है। तो इसे आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको इसमें पूरी प्रोसेस देखने को मिलेगी। और जो एसी है वो है एलजी ब्रांड का, 4 स्टार है, 1.5 टन है। मैं अभी आपको एसी दिखा दूंगी जो भी पैक्ड रखा हुआ है। और अभी उसी के ही एलजी ब्रांड के जो टेक्नीशियन है वो आने वाले हैं और वही इंस्टॉल करेंगे, तो उन्हीं के थ्रू वो इंस्टॉल होगा और जो भी प्रोसेस होगी आप इसमें देखेंगे, तो जो भी डाउट है आपके आज खत्म होने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये है एलजी ब्रांड का डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर। ये 1.5 टन है और 4 स्टार है। इसमें डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। आ गए हैं टेक्नीशियंस और 2 मेंबर आए हैं और अभी अनबॉक्सिंग हो रहा है। आपका इंस्टॉलेशन जो चार्जेस है 1199 प्लस 18% GST, 1415 रुपये आपका फिटिंग का चार्जेस होगा, जिसमें आपके एसी के साथ में 10 फीट कॉपर पाइप और 10 फीट इलेक्ट्रिक केबल दिया रहता है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर 10 फीट के ऊपर कॉपर पाइप लगेगा तो आपका 190 रुपये पर फिट कॉपर पाइप का लगेगा और 45 रुपये पर फिट इलेक्ट्रिक केबल का लगेगा। और पानी का पाइप जो रहता है इसके साथ में कुछ भी नहीं आता है, तो पानी का पाइप जो भी लगेगा वो 30 रुपये पर फिट आएगा आपका। ओके, हाँ बंद। एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन का काम अब स्टार्ट हो चुका है। ये जो भी चार्जेस और जो भी कॉस्ट भैया ने बताई है इंस्टॉलेशन के लिए, ये मुंबई के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हर सिटी और हर स्टेट में ये चार्जेस बदल जाते हैं। कुछ स्टेट में इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी नहीं लगते हैं, पर मुंबई में हर चीज़ का चार्ज लगता है। मुंबई सबसे महंगी सिटी है इस मामले में। जैसे ही ये टेक्नीशियंस आए थे और इन्होंने जो भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किया, मैं वैसे ही आपको दिखाती जा रही हूँ। जब तक ये लोग अपना काम करते हैं तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी एसी में सेम फ़ीचर्स होते हैं, 1-2 फीचर्स ऐसा होता है जो नए नाम से ब्रांड मतलब बता देती है, नए नाम से उसे लॉन्च कर देती है कि बस इसमें पर्टिकुलर इस नाम का कुछ नया है। तो ऐसे इसमें डुअल इन्वर्टर एक नया नाम ऐड कर दिया है। बाकी जो वारंटी है वो 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी है, 5 ईयर PCB जो मदरबोर्ड की वारंटी होती है वो है, और 1 ईयर टेक्निकल वारंटी है इसमें। और ये एक कन्वर्टेबल एसी है, मतलब आप इस, वैसे तो ये 1.5 टन है, बट अगर आप चाहें तो इसे 1 टन पे भी चला सकते हैं और 1.7 या 1.8 टन तक भी आप इससे चला सकते हैं कन्वर्ट करके। तो ये इसमें एक फ़ीचर है।
और ये फोर वे कूलिंग है, मतलब अप डाउन नहीं है, ये चारों तरफ कूलिंग करेगा। तो ये कुछ मेन मेन फीचर्स हैं जो इसमें थोड़े हैं। अभी भैया अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एक्चुअली हमें पता भी नहीं है इसके बारे में कुछ, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिर्फ अभी हम खड़े होकर देख रहे हैं कि बस भैया कैसे कर रहे हैं। ये वीडियो नो डाउट बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि ये टेक्नीशियंस जो जो भी स्टेप कर रहे हैं वो सारी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक भी अभी तक स्किप नहीं करी है और ना ही मैं आगे कोई स्किप करूँगी, क्योंकि जिसको जेन्युइनली इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ की नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए एक भी स्किप नहीं होनी चाहिए स्टेप। इसलिए ये नो डाउट थोड़ा बड़ा होने वाला है वीडियो, पर इन्फॉर्मेटिव है और बेनिफिशियल है। जिसको एक्चुअल में इसकी नीड है तो प्लीज पूरा देखिएगा। भैया ये ऐसे बाहर ही दिखेगा क्या काला काला? इसके ऊपर बाद में व्हाइट कलर का टेप लगा देंगे, कुछ अच्छा दिखेगा। अच्छा, ये पाइप तो ऐसे ही दिखेगा। जाके देख लेना, वजन दे के देख लेना उसको, वेल्डिंग तो हो रही है वैसे। आप जाओ, हाँ आप जाओ ना, देखो साढ़े चार फिट जाएगा सिंपल। साढ़े चार फिट, साढ़े चार फिट। 19 तारीख को कौन लिया थोड़ा है हमने, मतलब जो सैटरडे और संडे के दिन ऑफर रहता है। अच्छा, इसकी वजह से आपने सैटरडे के दिन लिया ना इसी। हाँ, इसके लिए ऑफर में आपको 190 रुपये पर फिट है। अगर यही बाकी टाइम दूसरे टाइम पर रहता हाँ उसमें 180 रुपये पर फिट रहते हैं। 100 रुपये बढ़ा दिए, मतलब 100 रुपये बढ़ा दिए। कौन से दिन में? अगर सैटरडे और संडे के दिन वो लोग कंपनी वाले ने ऑफर डाला, अगर सैटरडे या संडे के दिन आप एसी लेंगे तो ये जो कॉपर पाइप एक्स्ट्रा लगता है ना, इसका 190 रुपये पर फिट रहता है। बाकी दिन का आपका ये रहेगा ना, तो 280 रुपये पर फिट रहेगा। मुझे नहीं पता था संडे के, इसलिए बता दी ना। एक नई चीज़ पता चली जो कि भैया ने अभी बताया आपको, कि अगर आप एसी, ये ब्रांड की तरफ से पर्टिकुलर ऑफ़र है कि अगर आप एलजी का जो एसी है वो सैटरडे संडे वीकेंड में परचेस करते हैं, तो इंस्टॉलेशन में जो एक्स्ट्रा कॉपर पाइप के चार्जेस रहते हैं, वैसे तो 10 फिट एसी के साथ फ्री होता है, आपका इंस्टॉलेशन में फ्री होता है, बट 10 फिट से ऊपर जो भी कॉपर पाइप आपका लगता है उसका जो चार्जेस है पर फिट वो 190 लगेगा, अगर आप वीकेंड में खरीदते हैं सैटरडे संडे में। तो अदरवाइज़ वही चार्जेस अगर आप मंडे टू फ्राइडे में कभी भी एसी परचेस कर रहे हैं तो उसी के चार्जेस 280 हो जाएंगे। तो ये एक सही चीज़ पता चली है, और लकीली हमने वीकेंड पे लिया, मतलब सैटरडे संडे में लिया, ताकि हमें ये चार्जेस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं अभी। तो अगर आप भी एसी लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जब भी जाते हैं शोरूम पे या शॉप पे, तो उनसे सारे ऑफ़र जो भी अभी चल रहे हैं, चाहे वो कार्ड का ऑफ़र हो, चाहे वो वीकडेज का या वीकेंड्स का ऑफ़र हो, एक बार ज़रूर पूछना चाहिए। We'll be right back.
ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और अब ये होने के बाद जस्ट भैया डेमो देंगे। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता है मैं आपको उसका आंसर दे सकती हूँ। और रिव्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, और अगर मैं इसमें रिव्यू भी ऐड करूँगी तो ये वाकई में बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको रिव्यू चाहिए जेन्युइनली तो मैं आपको कमेंट में आप मुझे बताना, मैं आपको उसमें बता दूँगी। और अगर आप चाहिए कि पर्टिकुलर डेमो, पर्सनल डेमो और रिव्यू चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। अगर आप टाइमिंग का पूछें कि कितने टाइम में ये पूरा प्रोसेस हुआ है इंस्टॉलेशन का, तो अराउंड 2 से 2.5 घंटे तो लगेंगे क्योंकि अभी 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी और भी काम थोड़ा बहुत रह रहा है। भैया आप रिमोट रेडी कर रहे हैं और अब ये डेमो देंगे। उसके बाद टेम्परेचर का काम करेंगे, इससे ज़्यादा होता है उससे कम होता है, इसको 22-24 पे यूज़ करने का, क्योंकि 22-24 नॉर्मल रहता है, इस पर कूलिंग भी अच्छी होती है और इसमें आपको पावर सेविंग मिलता है। उसके बाद लाइट आपको दिखेगा तो लाइट आपको बटन आप प्रेस करेंगे तो इसी चालू रहेगा, पर लाइट आपको नहीं दिखेगा वहाँ पर, ये बटन प्रेस करेंगे लाइट ऑन हो जाएगा। उसके बाद एक कम्फर्ट एयर दे रहा है, कम्फर्ट एयर बटन प्रेस करेंगे ना तो ये स्क्रीन जो आपका होती है सेंटर में चल जाती है, और दोबारा प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ मूव हो जाती है। इसमें 2 ही स्टेप रहता है, एक बीच सेंटर में शुरू होती है और दूसरा नीचे की तरफ मूव होती है। उसके बाद एक मोड जो दिया रहता है, इसमें 3 ऑप्शन रहता है, एक मानसून रहता है इसको आपको बरसात के मौसम में यूज़ करने के लिए रहता है, दूसरा एक फैन मोड रहता है, आप फैन मोड पे ए सी यूज करेंगे ना तो बाहर की मशीन जो होती है वो बंद हो जाती है, जैसे आपको नॉर्मल फैन का आता है ऐसे नॉर्मल फैन का आएगा, इसमें कूलिंग कुछ भी नहीं होगा। आपको जो स्टार मोड के दिखा रहे कूल मोड के होगा, इसको हमेशा ए सी मोड पर यूज़ करने का। उसके बाद 6 AC 4 जो दिया रहता है, जैसे आपको ऐसे बैक टन का है आप 80% पर रखेंगे तो उसकी टनक जो रहती है वो कम हो जाती है, इसमें आपको 20% का एनर्जी सेविंग होता है, और एसी जो आपका 1.5 टन का है ये 1.2 टन में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें आपको 20% एनर्जी सेविंग होता है। 40 पर रखेंगे तो 60% आपको, और आपको एसी डेट रहते 1 टन में 40 पर रखेंगे तो उससे भी एसी या ऑटोमेटिक रहती है फास्ट क्वालिटी, बाकी नॉर्मली आपको डिस्प्ले में रखें उससे। इसके बाद फन स्पीड जो दिया रहता है, जैसे आप फन के रेगुलेटर लगाते हैं ना, आप 1.2 बंद करते हैं इसका ऐसा रहता है, ये अभी ऑटो मोड देगा, अभी अपने हिसाब से चलेगा, ये पॉइंट आ रहा है फन का एकदम स्लो रहेगा, 3-5 तक रहता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस पे भी रखना उस पे आप रख सकते हैं। और 6 HC जो दिया रहता है ये हाई कूल रहता है, जैसे आप बाहर से आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है एच कूल का बटन आप प्रेस करेंगे ना तो बाहर की मशीन जो रहती है वो इमीडिएटली चालू हो जाती है और कूलिंग करना स्टार्ट हो जाता है, उससे फास्ट कूलिंग होती है। और एच कूल सिर्फ 1/2 घंटे के लिए ही रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड पे वो सेट हो जाता है, और आप ए सी जब 1.5 टन कर रहे थे ये 1.8 टन में कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा प्रेस करेंगे नॉर्मल पे सेट हो जाएगा। और स्विंग भी दिया है, स्विंग मोटर ये प्रति अप डाउन होते रहते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है, अभी एकदम नीचे की तरफ सेट होगा, अभी जैसे आपको यहाँ पे सेट करना है वहाँ पे सेट कर सकते, इसमें जब लाइनिंग फुल आ जाता है तो फुल वो कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब वो एक ही जगह पे टिक जाएगी, अभी आप कंटिन्यू भी चला सकते हैं, आपको जहाँ पे रोकना है वहाँ पर रुक भी जाएगी। उसके बाद दूसरा स्विंग जो दे रहे थे वो अंदर की लेफ्ट हैंड अच्छा वो दोनों फोर वे स्विंग है, फोर वे स्विंग एक बार करके दिखाना, ये चलानी की होती है ना वो मूव हो जाएगा, उसके बाद जब फुल आ जाएगा फिर वो अच्छा इसमें तो अंदर वाली भी हाँ, ये जो अंदर की ब्लैक कलर की पट्टी दिख रहा है ना वो भी मूव हो जाएगा, हो रही है हाँ हो रही है अब फोर वे स्विंग। उसके बाद रूम टेम्परेचर जो दिया रहता है एक नॉर्मल एक आइडिया लेने के लिए रहता है कि आपका रूम कितना ठंडा है वो बताता है, ये आपका रूम 30 टेम्परेचर आपका रूम चलता जाएगा, ये चीज़ जैसे चलता जाएगा धीरे धीरे टेम्परेचर वो डाउन होता जाएगा। उसके बाद स्लीप मोड जो दिया रहता है 1 से 7 घंटे का टाइमर रहता लगाने का, जैसे आपने स्लीप को प्रेस किया यहाँ पे वन आवर्स दिखा रही है, इससे टाइम ज़्यादा होता है और इससे कम होता है, तो इस टाइम पे क्या होता है उतना ही चलेगा हाँ फिर उससे बंद हो जाएगा हाँ। उसके बाद बटन प्रेस किए सेट हो गया, अभी आपको इसे 4 घंटा चलेगा, 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा आप स्लीप मोड में इसे यूज करेंगे तो इसमें कूलिंग जो रहती है वो कम होती है, जैसे आपके मोबाइल में डे रहता है ना डो नॉट डिस्टर्ब एकदम साइलेंट मोड पर रहती है, वैसे एसी भी एकदम साइलेंट मोड पर रहती है और हवा जो रहती है एकदम स्लोली आती है, इसके लिए इसमें कूलिंग जो रहता है वो कम होता है, और स्लीप मोड जो रहता है खाली नाइट मोड में ही यूज़ करने के लिए रहता है, दिन के टाइम पर यूज़ करने के लिए नहीं रहता है, फिर बटन प्रेस करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर टाइमर जो दिया जैसे आपको कितने बजे एसी चालू करना है और कितने बजे बंद करना है इसका ऐसा प्रोसेस रहता है, जैसे आपने टाइमर के बटन प्रेस किया यहाँ पे ऑन क्लाइड बिलिंग कर लिया और यहाँ पे 6 बज रहा है, जैसे आपको
आठ बजे साढ़े आठ बजे नौ बजे जो भी चालू करना है आपको बंद करना है ना चालू या बंद सुबह चालू करना अच्छा स्टार्टिंग है इसमें एम पी यू का टाइम देख लेना आपको सेट किए सेट हो गया अभी आपका एसी नौ बजे ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा ऑफ करना रहेगा टाइमर का बटन प्रेस किए एक बार और प्रेस करेंगे भी ऑफ की लाइट बंद करेंगे हाँ उसके बाद आपने नौ बजे का चालू रखा समथिंग रात को ग्यारह बजे बारह बजे एक बजे जो भी बंद करना है आपको आपने सेट तो वो 6 से 11 तक चलता रहेगा हाँ जैसे आपने 9 बजे चालू किया और 12 बजे का आपने टाइम किया तो 9 बजे चालू हो जाएगा और 12 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा फिर कैंसिल करेंगे इसी से सब कैंसिल हो जाता है स्लीप मोड जो रहता है टाइमर जो रहता है इसी से सेट होता है और इसी से ही कैंसिल होता है पर फंसिंग सेटिंग जो दिया रहता है इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती जब भी सर्विसिंग करेंगे तभी आपको करके देंगे या हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ नहीं करता बाकी कुछ जानकारी चाहिए तो आपको बता दें एसी के साथ ये मैनुअल भी आए हैं ये सब एसी के साथ आया हुआ है तो कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप हुआ है इस तरीके से पूरा इंस्टॉल हुआ है ये एयर कंडीशनर हो गया फाइनली एसी इंस्टॉल और गए वो लोग टेक्नीशियन जो आए थे वो लोग गए हैं और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो कुछ भी आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर थैंक यू